गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नवनीत कौर एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विस्क एंड ब्लेंड एफिशिएंट पर। एंड आज की जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो होगी कंसीलर थ्योरी के ऊपर। सो कोई टाइम वेस्ट करे बगैर हम चालू करते हैं आज की वीडियो। सो पहले देखते हैं कि कंसीलर होता क्या है। सो कंसीलर या फिर कलर करेक्टर एक ही होता है। ये एक थिक फॉर्म में फाउंडेशन जैसा ही होता है, पर इसका जो काम है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग है। जैसे आजकल मार्केट में रेड कंसीलर, ऑरेंज कंसीलर, ग्रीन कंसीलर आते हैं, इन सब का यूज अलग होता है। जब आप कलर करेक्टर्स देखोगे वो आपके ब्लेमिशेस या फिर अंडर आई जो डार्क सर्कल्स होती है उसको लाइटनिंग करने में हेल्प करता है। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जानने की जरूरत ये है कि हम कोई भी कलर करेक्टर नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हम कोई भी उठाएंगे तो हमारे स्किन पे उसका अलग ही शेड उठ के आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम कलर करेक्टर हमारी स्किन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से और जो हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करें कि कलर करेक्टर कैसे दिखता है। देखिए ये बहुत ही थिक फॉर्म में होता है एंड ये लिक्विड बिल्कुल नहीं होता। तो इसको हमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है, उसको अच्छे से डैब करते हुए सर्कुलर मोशन में या फिर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना। अगर ये ब्लेंड नहीं होगा तो आपकी स्किन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर दिखेगी जो फिर एकदम अच्छा नहीं लगता। तो आओ चलते देखते हैं कि इस कलर करेक्टर्स के यूजेस क्या है। तो अगर हम पहला जो कलर, ये जो मोस्ट कॉमन कलर करेक्टर्स यूज होते हैं वो है ग्रीन, ऑरेंज और रेड। अगर हम ग्रीन वाला देखें तो ये फेयर स्किन के ऊपर भी जाता है और डार्क स्किन टोन के लिए भी। तो ये कलर करेक्टर हेल्प करता है कि अगर किसी को पिंपल या एक्ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पिंपल ठीक हो गए हैं पर फिर भी जो दाग रह जाते हैं हमारे चीक्स पे या फिर नेक पे, ये उसमें हमें हाइड करने में हेल्प करता है। तो आपको इसको यूज ऐसे करना है कि एक ईयरबड लेना है एंड उसमें से थोड़ा सा निकाल के ऐसे डॉट फॉर्म में लगाना है एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स आप उसको मेकअप ब्रश से या स्पॉन्ज से ब्लेंड कर सकते हो अपने फाउंडेशन के साथ। एंड अब चलते हैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर के पास। तो ये जो कलर करेक्टर है ये होता है फॉर फेयर टू मीडियम फेयर स्किन टोन के लिए। ये हेल्प करता है आपके ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन और जो अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं उसको हाइड करने में। तो आपको ये बस याद रखना है कि ये आप अगर डार्क स्किन टोन है आपकी तब आप नहीं लगा सकते। तो अब चलते हैं रेड कलर करेक्टर पे। ये कलर करेक्टर है फॉर डार्क स्किन टोन। इसका भी सेम यूज है, जिसको ब्लेमिशेस या अंडर आई काफी ज्यादा है ये उसको लाइटन अप करने में हेल्प करता है। और फिर जब इसको ब्लेंड करते हैं, उसका जो फॉर्मूला है गाइस, तो यहाँ पे आप कलर करेक्टर के बाद इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे अपनी स्किन टोन का एंड उसको आप ब्लेंड करोगे। अगर आप दूसरा कुछ बिना फाउंडेशन के ब्लेंड करोगे तो अलग सा ग्रीन लेयर आपके फेस पे पैची फॉर्म में फॉर्म अप हो जाएगा। तो ये थे हमारे 3 कलर करेक्टर्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। एंड आप इसके, अगर आपको इसका जो है ये था प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ कलर करेक्टर्स, आपको सिंगल ट्यूब फॉर्म में मिल जाएंगी। स्विस ब्यूटी की, LA गर्ल की, मैक की, हर एक ब्रांड की आपको मिल सकती है। तो आप अपने स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से आप खरीदिए। बस आप इतना याद रखिए कि जो ग्रीन वाला है पिंपल एक्ने के धब्बों के लिए होता है, ऑरेंज वाला फॉर ब्लेमिशेस और रेड वाला भी ब्लेमिशेस के लिए, पर ऑरेंज वाला हम मीडियम फेयर टू फेयर स्किन टोन पे यूज करेंगे और ये रेड वाला फॉर डार्कर एंड मीडियम डार्क स्किन टोन। सो ये इम्पोर्टेंट चीज थी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, जो प्रैक्टिस को एप्लीकेशन कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन जो है वो कैसे होता है। सो इसका जो एप्लीकेशन है, अब एज हर मेकअप से पहले हमें ये इम्पोर्टेंट है कुछ चीजें ध्यान रखना, वो है अपना फेस क्लीन करें ध्यान से, मतलब फेस वॉश करें, उसके बाद में मॉइस्चराइज करें। सो अभी मेरा फेस क्लीन है। अगर आपके पास कोई मेकअप फिक्सर है या फिर एक रिफ्रेशिंग स्प्रे है आपके फेस के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हो। सो ऐसे क्या होता है, हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं वो एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं एंड हमें काफी फ्रेश फील होता है। इट इज जस्ट कि जो भी हम मेकअप लगाएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा और एकदम फ्रेश लुक देगा आपको। सो दिस मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज कर रही हूँ। एकदम दूर से स्प्रे करना है, एकदम पास से नहीं। सो एकदम रिफ्रेशिंग जैसा फील होता है, आप देख सकते हो, और एक नेचुरल सी शाइन ऐड करता है ये मोर ऑन।
30 मिनट्स के बाद मेरा फेस काफ़ी एकदम मॉइस्चराइज लग रहा है बिकॉज मेरे फिक्सिंग स्प्रे में ऑलरेडी मॉइस्चराइजर मिक्स है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ऑल्टरनेटिव नॉर्मल अपने फेस के हिसाब से जो आपकी स्किन टाइप है नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है मॉइस्चराइजर जो मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम चलते हैं कंसीलर का एप्लीकेशन कैसे करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ईयरबड के एक तरफ ग्रीन करेक्टर लिया है एंड उसके दूसरी तरफ ऑरेंज। सो मुझे पिंपल्स के ऐसे कुछ मार्क्स नहीं है टचवुड। सो मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े से पिंपल्स हैं बस वहाँ पे एकदम डॉट फॉर्म में इसको लगा के यूज़ करूँगी। एंड जो अभी ऑरेंज करेक्टर होता है वो उसको मैं लगाऊँगी अपने अंडर आईज। तो मैं वहाँ भी लगाऊंगी जहाँ पे मेरे नोज़ पे थोड़े से फ्रेकल्स हैं, मोल्स हैं, ताकि वो थोड़े लाइट हो जाए। एंड अब एक फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से हम इसको पूरा ब्लेंड करेंगे हमारे फेस के ऊपर। सो एकदम लाइट फॉर्म में, अगर आप आईज के नीचे लगाया है आपने तो एकदम उसको डाउनवर्ड फॉर्म डाउनवर्ड मोशन में उसको कीजिए। तो वो था हमारा कंसीलर थियोरी जिसमें हमने देखा कि कलर्स करेक्टर किस स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा कलर करेक्टर सही होगा। सो वो एक छोटा पार्ट था, अगर हम उसको वाइड पास एकदम वास्ट में देखते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे कलर करेक्टर आते हैं। एंड ये कलर करेक्टर खाली आपके कंसीलर या हाइड करने के लिए नहीं, आपके कॉन्टोरिंग्स जो हम करते हैं अपने फेस फीचर्स को शार्प बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। सो बहुत लंबी थ्योरी है पर हमें इतना डीप नहीं जाना है बिकॉज हमें नॉर्मल से जो डेली रूटीन वाले या फिर पार्टी में जो हम खुद के ऊपर यूज़ कर सकते हैं वो हमने जो कलर करेक्टर्स देखे हैं वो है ग्रीन, ऑरेंज और रेड, वो भी डिफरेंट स्किन टोन के हिसाब से। सो अब आता है जो नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन सेलेक्शन का अपनी स्किन टोन के हिसाब से। सो अक्सर मार्केट में हमें जब फाउंडेशन खरीदने जाते हैं तो जो बेचने वाले होते हैं वो हमें हमेशा बोलते हैं कि अपना हाथ दीजिए एंड दे हमें यहाँ पे चेक करवाते हैं। बट मेरे हिसाब से मतलब मुझे ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका लगता है बिकॉज वो हमें टेस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं जबकि हमें लगाना यहाँ पे है। सो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम यहाँ की और यहाँ की स्किन टोन मैच करते हैं तो काफ़ी थोड़ा लाइट सा डिफरेंस किसी में होगा, किसी में ज़्यादा डिफरेंस होगा जो ज़्यादा धूप में रह के काम करते हैं। सो एक टिप है बस जो आपको ध्यान में रखना कि जब भी आप फाउंडेशन लेने जाओ अब उनसे कहिए कि आपको यहाँ पे टेस्ट नहीं बल्कि आपके जो नेक की इस पार्ट है यहाँ पे टेस्ट करवाइए। तो अगर वो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड होके आपका जो स्किन टोन है नेचुरल लग रहा है देन प्लीज़ आप उसे खरीदिए, नहीं तो आप कुछ दूसरा शेड यूज़ कर सकते हैं। एंड सो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ फाउंडेशन। तो ये जो शेड्स है ये ऑब्वियसली प्रोफेशनल पर्पस के हिसाब से है। तो जब भी आप अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करने जाए वो टिप याद रखिए कि उनको यहाँ पे नहीं अपने नेक पे टेस्ट करवाइए एंड जो भी आपके फेस से शेड मैच करता है देन उसे लीजिए।
तो अब देखते हैं हम इसको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले तो अपने स्किन शेड के हिसाब से जो भी आपके पास फाउंडेशन है आप उसी लीजिए अपने यहाँ पे पाम के इस हिस्से पे, ये वाला जो जोन है। तो अगेन यहाँ पे एक और एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ओकेशन के हिसाब से फाउंडेशन लेना है। अगर आप नॉर्मल कोई एक गैदरिंग के लिए जा रहे हो तो आप इतना फाउंडेशन ले लोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो नॉर्मल सा एक डॉट फॉर्म में लीजिए और जितनी आपके स्किन को रिक्वायरमेंट है, जिससे आपका जो अगर आपका फेस पे पोर्स हैं वो कवर अप हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो आप एक फाउंडेशन ब्रश ले सकते हो या फिर अपने ये रिंग फिंगर वाली फिंगर ले सकते हो एंड इससे हल्के हाथ से आप स्टार्ट करोगे अपने आईज के नीचे लगाना, देन आपके नोज पे, अपना फोरहेड, तो आपको ऐसे ही अपने नेक पे भी कवर अप करना है। एंड नाउ दैट मैंने उसको डॉट फॉर्म में पूरे फेस पे लगा लिया है, आप एक ब्रश यूज कर सकते हो या फिर ये स्पॉन्ज यूज कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्पॉन्ज। तो पहले मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल अपने हाथ से भी यूज कर सकते हो, अपने फिंगर्स से। तो मैं अपने राइट साइड आपको ब्रश से यूज करके दिखाऊंगी एंड ऑन द लेफ्ट आपको अपने फिंगर्स से आप ब्लेंड कैसे कर सकते हो वो दिखाऊंगी। फिंगर वाला है उससे ही बस अपने आईज के नीचे ऐसे ब्लेंड करते हुए उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और इसको नीचे की तरफ, जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है दैट इज नीचे की तरफ हमें लेके जाना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना फाउंडेशन पूरा ब्लेंड कर लिया है यहाँ पे। आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए एंड जहां जहां आपको स्वेट आ रहा है वहां पे लगाइए, स्पेशली अपने अंडर आईज और ये वाला जो अपने लिप्स वाला हिस्सा होता है। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं तो आई सजेस्ट अगर आपके पास लूज पाउडर है, नॉट नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर, एक लूज पाउडर आता है जिसे हम ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी बोलते हैं, अगर वो है आपके पास तो आप वो भी नॉर्मली लगा सकते हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, दैट इज हमारा आई मेकअप। अब आता है हमारा आई पार्ट, दैट इज आई मेकअप। प्लीज वॉच पार्ट टू वीडियो फॉर द कंटिन्यूएशन।